गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं दुबई में। और मैंने कल एक ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि हम लोग इंडियन एक दुकान में गए थे, दुबई में है जो, वो वहाँ पे सब ग्रोसरीज मिलता है, सब इंडियन। मतलब इतना दुबई में ज्यादा ऐसे दुकान नहीं है जहाँ पे इंडियन सब कुछ मिलता है, बट ब्रांडेड जो सब हम लोग एक्चुअली लेते थे इंडिया में वो यहाँ पे मिलता है। तो आज मैं आपको शेयर करूंगी कि क्या क्या मैंने वहां से खरीदा, और उसके जस्ट थोड़ा सा रेट बताऊंगी। और थोड़ा इंडिया से एक्चुअली वहां पे थोड़ा महंगा ही मिलता है, ब्रांडेड जी क्योंकि है। और यहाँ पे मैं रेट जो बताऊंगी आपको, जस्ट यहाँ पे 1 dirham इक्वल टू इंडियन हिसाब से 22 rupees मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 dirham इक्वल टू 22 rupees। बस आप उसका एक हिसाब करके अपने अंदाज में लगा लो कि कितना हो सकता है। ओके, तो चलिए एक एक करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रहा वो सब सामान जो हम लोग वहाँ से लाए थे। तो पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो राजमा दिख रहा है ना, ये राजमा वैरायटी ऑफ राजमा था वहाँ पे। तो ये हमने लिया है शायद अमृतसरी राजमा। हाँ, तो अमृतसरी राजमा का पैकेट है ये। तो ये इसका हमें पड़ा था 9 dirham का पड़ा था। और ये मैगी, जो मसाला मैगी है वो हर जगह यहाँ पे इतना अच्छा नहीं मिलता है, वैरायटी मिलता है, बट ये जो मसाला मैगी है ये वहाँ पे बहुत वैरायटी में था, तो ये हमने लिया था। तो मैगी का प्राइस यहाँ पे पड़ा था 10.95, मतलब करीबन 11 dirham का। तो ज्यादा ही है, वहां से हम लोग इंडिया में जो लेते थे वहां से ज्यादा ही प्राइस है यार। और एक और मैगी का पैकेट है, ये लिया था हमने, जो आटा नूडल्स होता है, आटा मैगी, वो लिया है। यहाँ पे तो मैंने इसी दुकान में ही देखा है पहली बार, और किसी में मुझे दिखा ही नहीं ये मैगी। ये मिला था हमको आटा मैगी करीबन ऐसे ही, अच्छा ये आटा मैगी हमें मिला था 11 dirhams का, और ये जो प्लेन मसाला मैगी है वो मिला था हमें 9 dirhams का। ठीक है, और चीज जो रायता के लिए बूंदी मसाला ये भी है, हल्दीराम का है, तो ये हमको मिला यहाँ पे 5 dirham का। और ये एक चीज इंडिया में मैं तो बहुत पसंद करती थी, खाती थी, मतलब पीनट का वो चिक्की होता है, गुड़ से बना हुआ वो चिक्की, ये भी हमें 5 dirham का ही मिला था। ये मुरमुरा, जो मतलब पफ्ड राइस, मतलब हम लोग बंगाली में मूढ़ी जिसे कहते हैं, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, मतलब शाम को हमें ये चाहिए ही चाहिए। ये हमें मिला था 3.50 dirham का मिला वहाँ पे। अच्छा, ये है घी, जो गोवर्धन घी मुझे वहाँ पे, मतलब रेगुलर बेसिस में मैं वहाँ पे यूज करती थी। यहाँ पे हर दुकान में वैसे मिलता है, बट यहाँ से मैंने कल ले लिया था ये गोवर्धन घी। ये घी मुझे मिला था 19.75 dirham का। जो भी मैं बता रही हूँ आप जस्ट इंडियन हिसाब से 22 rupees मल्टीप्लाई कर लेना इनके साथ। अच्छा, एक ये पापड़, गणेश पापड़, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है पंजाबी मसाला पापड़ गणेश का, ये भी मुझे पहली बार ही दिखा यहाँ पे। इसका मुझे प्राइस पड़ा था 6 dirham का। ठीक है, और ये चीज मैं यहाँ पे इसी दुकान में मुझे मिला, एवरेस्ट का किचन किंग मसाला, क्योंकि हम लोग पूरे वेजिटेरियन हैं तो पनीर हम लोगों को लगता ही है, तो पनीर के लिए ये मसाला बहुत अच्छा होता है। इसका मुझे प्राइस मिला 5.75 में ये। और ये है नॉर्थ सूप, जो कि हम लोग वहाँ पे भी यूज करते थे, इसका मिला मुझे 6.75। मतलब जो भी मैं दाम बताऊंगी आप लोग 22 से मल्टीप्लाई कर लेना, और पता चल जाएगा कि इंडिया में दाम है कितना और यहाँ पे कितना है। और ये लेस का छोटा पैकेट, ये मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है, मतलब ये ऑरेंज लेस वो हमेशा यहाँ पे ढूंढता है, बट इसी दुकान में ही मिलता है। उसने पहले से कह दिया था कि मैं वहां पे जाके ये लेस लूंगा ही। लेस का मुझे पड़ा यहाँ 2.75 का पड़ा, नहीं सॉरी, हाँ 2.25 dirham का पड़ा ये। ओके, ये एक चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी मिली, जो हम लोग को चाहिए होता है हर खाने में, आप करी बनाओ या कुछ भी सूखा कोई सब्जी, वो है वड़ी, जिसे यहाँ पे ये लिखा है चावली वड़ी। तो इसका पैकेट मुझे मिला 6 dirham में। और
ये भी एक मैगी का पैकेट है, मैगी पास्ता, जो यहाँ पे इसी दुकान में ही मिलता है, वो मुझे मिला ये छोटा पैकेट 3.75 का है, नहीं सॉरी 3.95 का, मतलब करीबन 4 दिरहम का। और ये लास्ट में एक चीज दिखाना है आपको, ये है पॉपिंस, आप लोग तो जानते ही होंगे, और इसका रेट मुझे पड़ा है 50 फिल्स, मतलब इंडियन हिसाब से 10 या 12 रुपए। तो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ जो रेट है वो शेयर किया। तो ये दुकान एक्चुअली, इस दुकान का नाम है अल आदिल, मतलब ये दुबई में है ये दुकान, इंडियन ग्रोसरी शॉप। तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो, कई लोग जो दुबई में रहते हैं वो तो जाते ही है और मैंने देखा है, और जो नहीं जानते हो, मतलब नए हो मेरी तरह, मैं तो नहीं हूँ दुबई में, तो वो लोग जाते हो तो अच्छा लगेगा आपको। और भी बहुत सारी चीजें जो मतलब पूजा से रिलेटेड, जो अभी नवरात्रि यहाँ पे स्टार्ट हो गया कल से, तो कल मैंने देखा कि नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारी आटा जो मतलब हम लोग उपवास के टाइम में खाते हैं वो सब भी यहाँ पे मिलता है, वैरायटी चावल। हम लोगों ने इतना तो लिया नहीं, तो मैं जो ब्लॉग आपको शेयर करूंगी आप लोगों को देखना है, बस देख लीजिएगा और पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है। और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये छोटा सा मेरा ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों से इंस्पायर होकर और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देती रहूँ। ओके, सी यू।